बड़वानी जिले के बरू फाटक ग्राम में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकडाउन के चलते शासन के आदेश अनुसार बैंक का समय 11 बजे से 2 बजे तक होने से ग्राहकों में नंबर को लेकर पिछले कई दिनों से समस्या चली आ रही थी। आए दिन नंबर को लेकर ग्राहकों में आपस में कहासुनी होती थी। इस समस्या को देखते हुए शाखा प्रबंधक उत्तम कुमार शर्मा ने दो अलग अलग कतार बनाकर टोकन नंबर बांटकर समस्या का किया निराकरण। प्रबंधक ने बताया कि हमने दो कतार बनाई है, एक लेन देन की कतार और एक कतार खाते की जानकारी हेतु बनाई है, जिससे ग्राहक को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, वहीं ग्राहकों में किसी प्रकार का विवाद न हो और दो गज दूरी का पालन भी ठीक तरह से हो सके। वहीं प्रबंधक ने बताया कि ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए बैंक में प्रवेश से पूर्व ग्राहक को सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग कर बैंक के अंदर भेजा जाता है, जिससे संक्रमण रोक सके। जुलवानिया से रवि महाजन की रिपोर्ट। मैं उत्तम कुमार शर्मा, प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बरू फाटक। आज की विगत स्थितियों को देखते हुए और लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में अपने को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, जिसमें भी हम लोगों ने टोकन सिस्टम लगाकर लोगों को एकत्रित होने से बचाव भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पैसा देते समय लोगों को टीकाकरण के प्रति और किस तरीका से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन इत्यादि बातों को बताकर लोगों का कार्य किया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार हम लोगों को भीड़ एकत्रित नहीं करने का आदेश है, तभी हम लोगों ने टोकन सिस्टम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्य निष्पादित कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को जो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा पैसे मिल रहे हैं, उसी का भीड़ हो रही है और इस भीड़ को लोगों के द्वारा भी जागरूकता नहीं होने के कारण ये यहाँ पर ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है। अतः मैं ये अनुरोध करता हूँ सभी लोगों से कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को नियमित रूप से नाक और मुंह ढककर पहने, हाथों को बार बार धोया करें, तभी हम लोग कोरोना से जल्द जीत हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।